फिर मैंने धो लिया है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा, क्योंकि वो गाढ़ा था तो इसमें मैं थोड़ा सा इसमें वाटर मिक्स किया, राइट। उसके बाद आज हम बनाएंगे कस्टर्ड, मैंगो फ्लेवर कस्टर्ड बनाएंगे लाइक दिस। अभी हमने दूध बॉइल करने के लिए रखा है, उसके बाद ये कस्टर्ड जो है इसका ये मैंने मिक्सचर एड किया, इसको मिक्स कर दिया। कस्टर्ड को इसमें हम मिक्स करेंगे, ठीक है। सेवन स्पून जो है वो मैंने मिक्स की लाइक दिस, इसको भी मैं मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ पे हमारे क्या है बॉइल हो रहा है, उसके बाद ये मिक्सचर मैं इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ। एक साइड में पैन में मैं ये जेली के लिए वाटर रखूँगी टू कप। वाटर बॉइल हो रहा है, इसके अंदर मैंने बस जेली मिक्स करी है। जेली मिक्स करने के लिए आप बस वाटर बॉइल करके साइड पे कर दें और उसमें आप जेली पाउडर मिक्स कर सकते हैं। दूध में मैंने शुगर 14-15 स्पून टीस्पून जो है वो मैंने इसके अंदर शुगर मिक्स की है, और 16 टी स्पून जो है वो टीस्पून जो है वो मैंने कस्टर्ड के मिक्स किए हैं, ठीक है। और क्योंकि वो मैंने 1 लीटर दूध में आप 16-17 जो टी स्पून है दिस वन आप इसमें मिल्क में मिक्स कर सकते हैं पाउडर कस्टर्ड पाउडर, और शुगर जो है वो शुगर भी आप 14 मैंने टी स्पून मिक्स की है। एक कस्टर्ड जेली के लिए पाउडर वाटर बॉयल हो गया है, अब इसको मैं बंद करके इसके अंदर जेली पाउडर मिक्स कर दूंगी लाइक दिस। सो यम्मी, जेली पाउडर, वाओ। अब इसको मैं मिक्स कर दूंगी और इसको ड्राई, इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। ये आप देख रहे होंगे इसका पाउडर आपको कहीं नीचे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। वो पाउडर इसका सारा मिक्स हो गया, जेली तो 2 मिनट्स के अंदर रेडी हो जाएगी। आज हम कस्टर्ड जो है सिंपल कस्टर्ड बना रहे लाइक दिस, ओके। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे हमारा दूध भी रेडी हो गया, अब मैं इसको इसके अंदर कस्टर्ड मिक्स करूँगी, ओके। ये यहाँ पे हमने दूध बॉइल करके इसके अंदर अब मैं कस्टर्ड मिक्स करूँगी। और कस्टर्ड मिक्स करते करते इसको आपने हिलाते रहना है, इसको कस्टर्ड मिक्स करने तक आपने हार्डली 2-3 मिनट्स के लिए इसको आपने बॉईल करना है, ताकि वो जो कस्टर्ड पाउडर है वो इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये कितना स्मूथ है, ये देखें, ये हमारा कस्टर्ड रेडी हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जेली रेडी हो गई, अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इसकी डेकोरेशन करेंगे, ओके। फर्स्ट हमने जो इसकी लेयर है मैंने जेली की रखी है, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं लेयर रखूंगी वो हमारी है कस्टर्ड की लाइक दिस। ये देखें, अब इसके अंदर मैं ये कस्टर्ड डालूंगी। पहले मैंने जेली की लेयर रखी है, उसके बाद कस्टर्ड की लेयर रखूंगी। इसके अंदर पहले कस्टर्ड थोड़ा सा फिल कप करके नेक्स्ट, बहुत टेस्टी लग रहा है देखने में। अगर देखने में टेस्टी लग रहा है तो सोचें खाने में कितने मज़े का होगा। सो यमी, ओके। ये देखें,
एक टॉपिंग हमने इसकी कर ली है कस्टर्ड की, एक टॉपिंग हमने की है जेली की, आप देख सकते हैं। ओके नेक्स्ट फिर मैं इसके ऊपर करूंगी जेली, ये देखें फिर मैंने जेली के ऊपर की है, उसके बाद फिर मैं कस्टर्ड डालूंगी। टू मच यमी, कितना प्यारा लग रहा है। थोड़े से इसके अंदर मैं स्मार्ट बीन्स भी डालूंगी, डिलीशियस सो यमी। अब इसके ऊपर मैं इसके ऊपर फिर कस्टर्ड की टॉपिंग करूंगी लाइक दिस। ना टेस्टी लग रहा है, सो यमी। मैं बोलूंगी अगर आपको हमारे पे नाउ। अब इसके ऊपर फिर मैं रेनबो स्प्रिंकल्स करूंगी, सो यमी, बहुत टेस्टी लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो भी वॉच कर सकें। ओके अल्लाह हाफिज़।